इसमें चीज साफ साफ मुझे नजर आ रही है और इतना सॉफ्ट है कि इजीली टूट गया। चिकन मलाई बोटी चीज नान है, मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ पिज्जा। इसमें चीज साफ साफ मुझे नजर आ रही है और इतना सॉफ्ट है कि इजीली टूट गया। फूड्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कवल अमानत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टोश फूड्स का मतलब है कि हम आपकी खिदमत में लाते हैं साफ सुथरे मजेदार डिलीशियस और टेस्टी खाने लाहौर पंजाब और पाकिस्तान भर से। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहांजेब ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन लाहौर में और आज मैं आपको अरेबियन नान शॉप का पूरा विजिट करवाने जा रही हूँ। पाकिस्तान में कह सकते हैं कि पहली दफा 35 किस्म के मुख्तलिफ नान एक ही दुकान में इंट्रोड्यूस करवाए गए और मेरे पास इस वक्त ये मेन्यू मौजूद है जहाँ पर जो आप देख सकते हैं नान ही नान है। इसमें इनका जो स्पेशल नान है वो बीफ बारी चीज नान है, इसके अलावा चिकन मलाई बोटी चीज नान है और बहुत ही मामूल प्राइसेस में आपको मिलेंगे और आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे कि वाकई में इतने टेस्टी है या नहीं। मुझे तो देख के ही मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा है। तो जी, दुकान के ओनर से गुफ्तगू करते हैं कि आखिर ये आइडिया कैसे है और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है वो मशहूर अरेबियन नान शॉप के ओनर मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर आइडिया कैसे आ गया, घर में क्या रोटी नान नहीं मिला तो ये काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है पेरेंट्स का? शहबाज हुसैन। शहबाज, मुझे ये बताएं कि अरेबियन नान शॉप, अरेबियन कुछ और सेंस में आता है और नान की बात की जाए तो 35 किस्म के मुख्तलिफ नान, नाम कैसे आपने सोचा और ये आइडिया कैसे आ गया? नाम ऐसे सोचा कि पहले तो हमने नान तंदूर शुरू किया था और ऐसा ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किए नानों के ऊपर, तो कोई एक दो नान निकाल के फिर ऐसा ऐसा नान निकाले, उसके बाद कोई ऐसे डिफरेंट नान निकले तो हमने कहा कि ये कोई ऐसे तो नान कहीं भी नहीं लगते, तो फिर ये कोई ऐसा नाम सोचते रहे तो अरेबियन समझ में आया कि बाहर की कंट्री फॉरेन कंट्री का कोई नाम रखा जाए, तो फिर ऐसे नाम रखा अरेबियन। मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते ये प्रोफेशन बन गया, पता ही नहीं चला। हाँ, पता नहीं चला। ऐसा से ये दुकान चला। ये 2 ईयर हो गए स्टार्ट किए, साल हो गए, जबरदस्त हो गया। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इतने से वक्त में माशाल्लाह साहब इतने मशहूर हो गए हैं? जी जी, ये तकरीबन 2 साल से जैसे स्टार्ट किया होगा और ये लोग आते हैं तकरीबन, पहले तो नज़दीक था यानी कि इर्द गिर्द के लोग आए हैं, उन्होंने फिर आगे बताया और फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, कुछ व्लॉग वगैरह बने और दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। जबरदस्त हो गया। आपकी स्पेशल दो नान है वो कौन कौन से है, जरा रिमाइंड? जी, मलाई बोटी चीज़ नान है सबसे स्पेशल जो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद जी बीफ बिहारी चीज़ नान और काफ़ी और तरह के नान है, पिज्ज़ा, अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहें तो पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं क्योंकि ये फास्ट फूड लगता है कि ये पिज़्ज़े का बड़ा भाई। हाँ जी, आपके नान जी जी, ये पिज़्ज़े से भी बेटर है और इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर ग्रीन मसाले वगैरह डालते हैं कि ज़्यादा स्टमक को भी प्रॉब्लम के लिए जो है वो सही है, ज्यादा आपकी हेल्थ को खराब। हाँ बिल्कुल, फास्ट फूड से बहुत ज्यादा। जी जी, इसकी जो प्रेपरेशन है कब तैयार करते हैं, कितने बजे दुकान खुलती है? ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, ये दुकान खुली रहती है वैसे तो बेसिकली ना 24/7 सर्विस। हाँ, सर्विस तो तकरीबन इससे 21 घंटे हैं और 3 घंटे का हम वफा लेते हैं तैयारी के लिए और ये सुबह 6 बजे ओपन होते नहीं हो? नहीं, सोते भी हैं, डबल शिफ्ट काम होता है। डबल शिफ्ट काम होता है और ये है कि सुबह 6 बजे ओपन होती है और रात 3 बजे तक चलता है ये सिस्टम। 3 बजे तक चलता है। सबसे ज्यादा आपका नान बिकता को? यही मलाई बोटी सबसे ज्यादा। हाँ, पिज्जा, मलाई बोटी, पिज्जा, बीफ बिहारी, बारबेक्यू। नान को तैयार करने में कितना वक्त? 7 मिनट लगते हैं। 7 मिनट में तैयार हो जाता है? जी, और पकने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है, 1.5 से 2 मिनट। तंदूर में बनाते हैं ना आप? जी जी, बाकी चीजों में तो वो प्रोसेस, आप सारी चीजें पहले से रेडी पड़ी? हाँ, सब रेडी करके रखा होता है। जबरदस्त हो गया, अमेजिंग, सुपर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने सारे माशाल्लाह से मैंने मीडिया पे आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं तो सेलिब्रिटी वाली फील आती है? नहीं नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं और ना होना चाहिए, अल्लाह ताला की नेम तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है, बेटर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सोचा है कि आपने मजीद ब्रांचेस भी बना रही है क्योंकि आप तो फेमस हो गए? जी जी, ब्रांचेस बन रही हैं, दूसरी ब्रांच अभी स्टार्ट हो रही है, वो नज़दीक ही है, इधर अभी कन्फर्म नहीं है, बस स्टार्ट कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया, मजीद ब्रांचेज हम इनकी जरूर देखेंगे जितनी तेजी से माशाल्लाह से ये तरक्की कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे देखने वाले ना?
जी आए इधर अरेबी नान शॉप पर खाने के लिए। आप जो फास्ट फूड वाले लोग हैं, जो पिज्जा वगैरह के शौकीन है हमारे इधर पास, हम गारंटी से ये कहते हैं कि एक दफ़ा आपने हमारा नान खा लिया तो आप सारे पिज्जे वगैरह फास्ट फूड सब भूल जाएंगे। और ये हमारा एड्रेस हम बता देते हैं जी, ये इकबाल टाउन लाहौर में है जी, 357 जहां जेब ब्लॉक में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ जो है वो शहबाज साहब मौजूद थे, इनसे खसूसी गुफ्तगू की। मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है अब, क्योंकि अब इनका मैं नान टेस्ट करने जा रही हूँ और इनका मैं चिकन मलाई बोटी चीज़ नान ही टेस्ट करूँगी, जो कि इनकी इनका स्पेशल है। तो वैसे भी मुझे मलाई बोटी पसंद है, तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि जो बातें सुनिए वाकई सच है या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इन 35 नानों के नान मैंने जो है वो आपको गिनतियों पे गिनवाए, उनमें से मैं इनका वन ऑफ द स्पेशल नान जो चिकन मलाई बोटी चीज नान है वो टेस्ट करने जा रहे हैं कि इनके नान हमने इतने सारे आपको गिनवा दिए, अब इनको खा के देखते हैं कि वाकई में उतना टेस्टी है या नहीं। तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, मेरे मुँह में बहुत सारा पानी आ रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ पिज्जा, इसमें चीज साफ साफ मुझे नजर आ रही है और इतना सॉफ्ट है कि इजीली टूट गया, और इसलिए मैं एक बाइट लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंटेशन की बात करूं, जो ये इन्होंने वी शेप ट्रायंगल्स टाइप आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेल डन। ये जो आपको तिल नजर आ रहे हैं वो भी मजे के हैं, इसके ऊपर जो इन्होंने पुदीना यू कैन से सॉरी धनिया लगा हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो गोल्डन सा कलर आया हुआ है वो जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा रहा है। दैट इज दैट आई रियली लाइक दैट थिंग। और बिल्कुल आप कह सकते हैं ये जो पिज्जा हम लोग खाते हैं उसका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई इसको कह सकते हैं। और आई वांट टू गिव 10 out of 10, बहुत अमेजिंग है। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपका यहाँ पर कभी भी चक्कर लगता है तो आप इसको जरूर टेस्ट करें, ये नहीं तो कोई और नान टेस्ट करें जो आपके प्रेफरेंस में है। बहुत मजे का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी बहुत मामूल के मुताबिक है। मुझे तो बहुत मजा आया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें और ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इस तरह की फूड स्टोरीज आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।